बिग बॉस सीजन 15 के घर में हाल ही में वीकेंड का वार के एपिसोड पर सलमान खान ने याद किया सिद्धार्थ शुक्ला को। जी हाँ, क्या कहा सलमान ने सिद्धार्थ के लिए, ये मैं आपको बताने आ गई हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि जब जब बिग बॉस का जिक्र निकलेगा तब तब सीजन 13 का जिक्र निकलेगा, और जब जब सीजन 13 सामने आएगा या सीजन 13 का जिक्र निकलेगा तब तब बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की दोस्ती, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की दुश्मनी, एंड इनफैक्ट सिद्धार्थ शुक्ला बीइंग द वन मैन आर्मी, इस बात का जिक्र निकलेगा। वेल, आप सभी को बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं ही वॉज डेफिनेटली अ वन मैन आर्मी। किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला खेलते थे, किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला बिहेव करते थे, किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का गेम एक सिंगल आर्मी की तरह वो हैंडल करते थे, ये बात हम सभी ने देखी है, जानी है, और इस बात को उतना ही अप्रिशिएट किया है हम सब ने। आपको बता दूं कि बिग बॉस के वीकेंड कवार पर सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रिशिएट करते हुए, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए और इस सीजन के कंटेस्टेंट्स कितना ठंडे पड़ गए हैं इस बारे में जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला को ही याद कर लीजिए। पिछले जो सीजन हुआ करते थे, यू नो, रिश्ते याद रह जाते हैं लोगों को, चाहे वो दुश्मनियां हो, लेकिन इस सीजन में ना दोस्ती दिख रही है किसी की, ना दुश्मनी दिख रही है, कोई भी एक रिश्ता नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई एक विनर नजर आ रहा है। जब सीजन 13 आया था, चाहे आप आसिम की बात कर लीजिए, चाहे आप सिद्धार्थ की बात कर लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ वन मैन आर्मी, द होल हाउस वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन ही स्टिल स्टूड अप हिज ग्राउंड्स, एटलीस्ट एक यूनिकनेस दिखती थी, बट इस सीजन पे, इस शो पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके से सिद्धार्थ को स्पेसिफिकली मेंशन किया उन्होंने और कहा दैट सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ वन मैन आर्मी। आपको याद होगा सीजन 13 के वीकेंड कवार एपिसोड पर भी सिद्धार्थ को प्रेज करते हुए सलमान ने कहा था दैट सिद्धार्थ शुक्ला इज रनिंग द होल शो, जो कि लाइन आज भी सुनते हुए गूज़बम्स आ जाते हैं, बिकॉज शुक्ला वॉज रनिंग द इंटायर शो, एंड इनफैक्ट आसिम वॉज रनिंग काइंड ऑफ इन द इंटायर शो। वो सीजन ही कुछ और था, उस सीजन का चार्म ही कुछ और था। आपको क्या है कहना सलमान की इस बात पर, आप हमें बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।